दोस्तों, हम सभी जानते हैं काल युग के चौथा खंड यानी कि कलयुग चल रहा है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया भविष्यवाणी आज कलयुग में सत्य हो रहा है। आज हम पांच कड़वे सत्य बताएंगे। बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह बात उस समय की है जब पांचों पांडवों का वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, आप हमें बताएंगे आने वाली कलयुग की गति कैसी होगी, वहाँ के इंसान कैसे रहेंगे। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें इसका तो सीधा सीधा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो भी कुछ दिखे वह आकर मुझे बताना, तब मैं तुम्हें उसी उदाहरण से कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद पांचों पांडव वन में चले गए। वन में उन्होंने जो भी कुछ देखा उसे देखकर आश्चर्य हुआ। जब पांचों भाई वन से आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बोला, हे श्री कृष्ण, मैंने तो पहली बार दो सुर वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य था। तब श्री कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा, ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह इससे भी भयानक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए थे और वह पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे। वह ज्ञान का बातें जरूर करेगा लेकिन उसका आचरण बहुत बुरा होगा। उसके बाद भीम ने बोला, मैं तो बहुत बुरा चीज देखा। मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहू लुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में माँ की ममता अपने बच्चों के ऊपर बहुत होगा। इतना ममता होगा कि वह बच्चा जल्दी कुछ नहीं कर पाएगा। अपने जिंदगी में मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी से ज्यादा प्रेम या लगाव हमेशा दुख का कारण ही बनता है। भीम के बाद सहदेव ने बोला, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा चार पांच कुआं के बीच एक कुआं खाली था, जबकि ऐसा नहीं होना था। तब श्री कृष्ण ने बोले, कलयुग में शादी पार्टी बड़े बड़े फंक्शन में लाखों करोड़ों रुपये उड़ाए जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि पड़ोस वाले खाना खाया या नहीं, उसके घर में अन्न है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि कलयुग में अन्न तो होगा लेकिन कुछ लोग भूख से मर जाएंगे। उसके बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाता, किंतु एक छोटा सा पौधा पर वह चट्टान रुक जाता है, ऐसा कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण उत्तर दिए, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि श्रीर हो जाएगी, उसका जीवन पतन हो जाएगा, उस पतन को कोई नहीं रोक पाएगा, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य का पतन रुक जाएगा। पांचों पांडवों को कलयुग कैसा होगा या अनुभव हो गया। हमेशा नए नए जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।